नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 9ना गुजराती विषयना व्याकरणमां लिंग व्यवस्थानो अभ्यास करीशुं। गुजराती व्याकरण लिंग व्यवस्था विषयनी समझूती आ मुजब छे। गुजराती भाषामां लिंगना त्रण प्रकारो छे। एक पुल्लिंग, बे स्त्रीलिंग अने त्रण नपुंसकलिंग। सौ प्रथम आपणे पुल्लिंग विषयनी माहिती मेळवीशुं, जे आ मुजब छे। जे संज्ञाओ नर जाति एटले के पुरुष जाति दर्शावे छे तेने पुल्लिंग कहे छे। दाखला तरीके छोकरो, आंबो, राजा, बढ़त। सामान्य रीते पुल्लिंग माटे ओ लिंग सूचक प्रत्यय छे। दाखला तरीके रोटलो, ओटलो, गोटलो, कागड़ो। ओ सिवाय एटले के ओ लिंग सूचक प्रत्यय वगरनी पण घणी संज्ञाओ पुल्लिंग में छे। दाखला तरीके चंद्र, दादा, भाई, पति वगैरे। केवो के केवा प्रश्न पूछवाथी आपेल संज्ञा अथवा तो नाम पुल्लिंग छे एनो बोध थाय छे। पुल्लिंग पछी आपणे स्त्रीलिंग विषयनी माहिती मेळवीशुं, जे आ मुजब छे। जे संज्ञाओ नारी जाति एटले के स्त्री जाति दर्शावे छे तेने स्त्रीलिंग कहे छे। दाखला तरीके भाभी, दादी, पत्नी, दीदी वगैरे। सामान्य रीते स्त्रीलिंग माटे ई लिंग सूचक प्रत्यय छे। दाखला तरीके बकरी, रोटली, पुत्री, दीकरी वगैरे। ई लिंग सूचक प्रत्यय वगरनी स्त्रीलिंगनी संज्ञाओ पण जोवा मळे छे। दाखला तरीके पेन, लात, वात, लू, कथा। केवी एवो प्रश्न पूछवाथी आपेल संज्ञा स्त्रीलिंग छे ए बोध थाय छे। लिंग व्यवस्थामां स्त्रीलिंग विषयनी माहिती मेळव्या पछी आपणे नपुंसक लिंग विषयनी माहिती मेळवीशું, જે આ મુજબ છે। જે સંજ્ઞાઓથી એટલે કે જે સંજ્ઞાઓ વાંચવાથી કે સાંભળવાથી એ સંજ્ઞા સ્ત્રીલિંગ છે કે પુલ્લિંગ છે એટલે કે પુરુષ કે સ્ત્રી જાતિની ખબર પડતી ન હોય તે નપુંસકલિંગ કહેવાય છે। દાખલા તરીકે લવારું, છોકરું, ગધેડું, ખોલકું। સામાન્ય રીતે નપુંસકલિંગ માટે ઉ લિંગ સૂચક પ્રત્યય છે। દાખલા તરીકે માટલું, બકરું, વાંદરું, કૂતરું। ઉ લિંગ સૂચક પ્રત્યય વગરની નપુંસકલિંગ સંજ્ઞાઓ પણ જોવા મળે છે। દાખલા તરીકે મોં, લસણ, પુસ્તક, પાણી। કેવું કે કેવા એવો પ્રશ્ન પૂછવાથી નપુંસકલિંગનો બોધ થાય છે। અહીં આપણી લિંગ વ્યવસ્થા વ્યાકરણને લગતી સમજૂતી પૂરી થાય છે। અહીં આપણે વિરામ લઈશું, ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે। આભાર।